पुलवामा के पास याचुगुचन नामक एक गांव में आज एकदम खिलखिलाती धूप निकली हुई थी। खुशबू से भरी हवा और पंछियों की आवाजें इस गांव की शांत सौम्यता को और ज्यादा निखार रहे थे कि तभी अचानक AK-47 राइफल की आवाजें इस सौम्यता को चीर कर रख देती हैं। भारतीय फौज के ऊपर गोलियां बरसाता हुआ एक आतंकी कवर लेने के लिए कोई सुरक्षित सी जगह ढूंढ रहा है। JEM के इस कमांडर का नाम है अल्ताफ बाबा और ये अच्छे से जानता है कि आज इसका खेल खत्म हो चुका है। कश्मीर के मोस्ट वांटेड आतंकियों में से एक बाबा चारों तरफ से घिर चुका था और अब उसके पास अंत तक लड़ने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। सेबों के बाग में छिपा यह आतंकी ना चाहते हुए भी ये सोचने पर मजबूर था कि आखिर उसकी कौन सी गलती ने उसे आज यहां ला खड़ा किया है। यही सोचते हुए गोलियां बरसा रहे बाबा को अचानक ही एहसास होता है कि उसके और यमराज के बीच की दूरी अब केवल एक मैगजीन जितनी रह गई है। बाबा अपनी आखिरी मैगजीन राइफल में डालता है और फायरिंग करता हुआ अपने राउंड्स गिनना शुरू कर देता है, लेकिन ऐसा करने वाला वो अकेला नहीं था। उससे थोड़ी सी दूर अपनी पोजीशन ले चुका भारतीय फौज का एक मेजर भी उसके साथ साथ ये गिनती करने में लगा हुआ था। AK-47 की एक मैगजीन में 7.62 mm के ज्यादा से ज्यादा 30 राउंड आ सकते हैं और इस टाइप के ऑपरेशंस में महारत ही ये मेजर जानता था कि अभी तक बाबा की नली से कितने राउंड निकल चुके हैं। 17, 16, 15, 14 बाबा की आधी मैगजीन खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसके जैसा हाईली ट्रेंड और खतरनाक आतंकी इतनी गोलियों से भी काफी तबाही फिरा सकता था। इस सिलसिले को थोड़ा और लंबा खींचने की आस में बाबा अपनी राइफल को मैनुअल मोड में डाल अब रुक रुक कर फायरिंग कर रहा था और उधर वो भारतीय मेजर रुक रुक कर अपनी गिनती 5, 4, 3, 2 गोलियों का एक काउंटडाउन खत्म होते ही 6.5 फुट का यह भारतीय मेजर उस बाग की तरफ दौड़ना शुरू कर देता है। इस मेजर का बड़ी सिपाही कवर फायरिंग करने लगता है और देखते ही देखते ये मेजर इस घने बाग की हरियाली में धूमिल हो जाता है। सर, वी हैव गॉट अल्ताफ बाबा। 5 मिनट बाद अपनी छाती से बुलेट प्रूफ जैकेट उतारता हुआ ये मेजर 44RR के अपने CO को इस सफल ऑपरेशन की सूचना दे रहा होता है। मेजर, तुम्हें कैसे पता कि वो बाबा ही है? अपने CO के मुंह से ये सुन थोड़ा सा मुस्कुराने के बाद ये मेजर कहता है, सर मेरा पैर उसकी राइफल पर है और आंखें उसके चेहरे पर। ये सुनने के बाद 44RR का CO अपने इस ऑफिसर से कुछ और पूछना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि वो जानता था कि ये कोई मामूली सा ऑफिसर नहीं बल्कि वो महाभीम है जो अपने नाम मात्र से ही आतंकियों की रीढ़ में कंपकंपी दौड़ा दिया करता है। 6.5 फुट का ये शेर मौत के मुंह में खड़ा हो यमराज के दांत गिन लिया करता है। दुश्मन के ऊपर प्रलय बन के टूटने वाले तमिलनाडु के इस बाहुबली का नाम है मेजर मुकुंद वरदराजन।